धन्यवाद सर। मी याच्यानंतर जे आहे अब्रार देशमुख सरांना आमंत्रित करतो की त्यांनी अभियानाच्या उद्दिष्टाबाबत काही जे आहे संदर्भ ठेवा। जलील करीम अम्माबाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय वेंकटेश रावजी काबदे साहब, माजी खासदार नांदेड, आदरणीय दिलीप चौहान साहब, ज्ञानी अमर सिंह जी, जनाब अय्यूब हाशमी साहब, मुफ्ती अय्यूब हाशमी साहब, आदरणीय गणेश जी शिंदे साहब और मंच पर उपस्थित पुष्पा कोकिड मैडम, आयशा पठान साहिबा, जमात इस्लामी नांदेड़ के जिलाध्यक्ष हामिद हुसैन साहब, जमात इस्लामी नांदेड़ शहर के सिटी प्रेसिडेंट सैयद मोइज़ुर रहमान साहब, फादर मेलरॉय अल्मेडा साहब और मेरे दोस्त नाना शिंदे साहब, गौतम दुथड़े साहब, अविनाश वाघमारे साहब और वो सभी उपस्थित पदाधिकारी विभिन्न संगठनाओं से हमारे इस दावत पर आए हुए। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम जैसा कि आपने सुना, जमात इस्लामी हिंद देशव्यापी अभियान लेकर उठी है और इसका शीर्षक उन्होंने बांधा है, हमने बांधा है, मानवता वादी लोगों को एक जगह लाकर शांति और मानवता के लिए इसके ऊपर काम किया जाए। अमन व इंसानियत मुहिम, पीस एंड ह्यूमैनिटी कैंपेन के नाम से हम ये मुहिम चलाना चाह रहे हैं। मानवीय मानवतावादी एकजुट समाज व्यवस्था के लिए, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने के लिए और इस भारतवर्ष की वो प्राचीन सभ्यता, वो इतिहास जो मानवीय इतिहास के रूप में पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल बना हुआ है, उसके लिए संविधान की श्रेष्ठता, वो उसके प्रति निष्ठा पैदा करने के लिए कानून व्यवस्था जो हमारी इस भारत देश की एक पहचान है, जिसमें विभिन्न धर्म जात समुदाय और भाषा के बोलने वाले एक साथ रहते हैं और ये सारी दुनिया के अंदर अपने आप में एक पहचान बनाए हुए हैं, इसके लिए और समाज में जो कायदा और कानून का उल्लंघन करने से देश को होने वाले नुकसान से आगाह करने के लिए कि अगर इस संविधान के होते हुए देश में कायदा और कानून लागू होते हुए अगर कोई समाज का एक घटक उस कायदे और कानून को अगर हाथ में लेगा तो हमारे इस देश को क्या नुकसान होगा, ये बताने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। शांति व्यवस्था और सहिष्णुता के लिए न्याय पर आधारित ऐसे कानून बनने चाहिए जो किसी समुदाय के अधिकारों का हनन न करते हों तथा सरकार द्वारा ऐसे कानून न बन पाए जिससे कमजोरों का शोषण होता हो, इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए समाज की न्याय व्यवस्था और इसके कानून किसी को भी आक्रोश करने के लिए बहुत ज्यादा उसका दखल होता है। दोस्तों, इन कामों के लिए जो मैंने आपको गिनाए हैं, क्या यह नहीं लगता कि आज भारत के वो सभी धर्म समाज और समुदाय, विभिन्न प्रांतों में रहने वाले वो सभी इंसान जो इस भारतवर्ष का अभिन्न अंग है, जो इसकी संपत्ति है, बहुत कम लोगों के ऐसे कामों की वजह से
जो पूरे दुनिया में हमारे इस देश का नाम बदनाम हो जाए या एक बहुत बड़ा नुकसान इस देश को हो जाए, उससे बचाने के लिए क्या हमको आगे आना नहीं चाहिए? इसीलिए जमात इस्लामी हिंद पूरे देश में ये पैगाम लेकर उठी है, ये संदेश लेकर उठी है कि मानवता के लिए न्याय, मानवतावादी लोगों को जमा कर कर शांति और मानवता के लिए एक मुहिम चलाई जाए। दोस्तों, ये ना राजनीतिक लड़ाई है हमारी और ना ये धार्मिक लड़ाई है। आज हमारे सामने जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, वो देश को अशांति, हिंसा और अन्याय पर लेकर जाने वाली जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने वाली एक ऐसी लड़ाई है जो इस भारतवर्ष के आने वाले मुस्तकबिल को देखने के लिए, आने वाले मुस्तकबिल को तय करने के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है। हमारी इस लड़ाई में हमारे इस मंच पर उपस्थित ये सभी न्याय प्रेमी और शांति प्रेमी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस काम के लिए इन्होंने खर्च किया है। आदरणीय गणेश जी शिंदे साहब यहां मौजूद हैं, मेरे दोस्त वाघमारे साहब यहां पर मौजूद है, अविनाश वाघमारे। कितने ऐसे मौके, डॉक्टर वेंकटेश काब्दे साहब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कितने ऐसे मौके आए हैं इस जिले के अंदर कि इन दोनों की कोशिशों की वजह से होने वाले दंगे जो है यहां पर टल गए। जो चीज घटना घटने से पहले अगर उसको रोक दिया जाता है तो उसका कोई प्रचार नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन घटना होने के बाद जो प्रचार होता है, जो अशांति फैलती है, उसके लिए इन्होंने जिस सतर्कता से हमारा साथ दिया, हमारे साथ काम किए हैं, वो बहरहाल यहां पर उसका जिक्र करना जरूरी है। वो चाहे देगलूर का मामला हो या फिर नांदेड़ में होने वाले रमजान के मौके से होने वाली घटना का मामला हो, इन्होंने बहुत सतर्कता से उसको रोकने के लिए काम किया। बाकी तमाम लोग जो मंच पर उपस्थित है, ये किसी ना किसी चळवळ से काम करते हुए इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जमात इस्लामी इस पूरे अभियान के अंदर 2,50,000 लोगों की, 21 अगस्त को इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम, यहां से इसका इनॉग्रेशन हो रहा है और जमात नांदेड़ में गाड़ीपुरा, चौपाला, विष्णुपुरी और पूर्णा रोड, ये संवेदनशील इलाके हैं, इसमें हम यहां पर उनके मोहल्लों की सद्भावना समितियां बनाना चाहते हैं, उनके पास जाकर ये तमाम चीजें बताना चाहते हैं कि हम इस देश को कहां लेकर जा रहे हैं और हमें कहां लेकर जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि शहर के वो इंटेलेक्चुअल्स जो हमारे इस सिटी का क्रीम है, उनके साथ डायलॉग होने चाहिए। हम इसके लिए 900 कॉर्नर मीटिंग्स जो मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम करना चाहेंगे, जिसके अंदर हमारे ये यहां पर मौजूद ये लोग भी हमारा साथ देंगे, इसके लिए हम 900 कॉर्नर मीटिंग रखना चाहते हैं। हम स्पेशल मुलाकातें करना चाहते हैं, स्पेशल मीटिंग्स रखना चाहते हैं और फिर इसमें एक शहर की सतह पर पीस मैराथन का हम इनेकाद करना चाहते हैं, उसका हम उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। मराठी और उर्दू स्कूलों के अंदर हम लेक्चर्स इसके लिए रखना चाहते हैं इन 15 दिनों में, और फिर शहर की पूरी मस्जिद में जहां जुमा की नमाज होती है वहां पर इमाम हजरत के जरिए इस कम्युनिटी के अंदर ये पीस और ह्यूमिनिटी के उन्वान से जो है हम चाहते हैं कि उनका एक स्पेशल जो है जुमा के अंदर खुतबा होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रशासकीय अधिकारी है, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हम इनके ऑफिसर्स से जाकर उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। इन 15 दिनों में हम ग्रुप्स के जरिए उनके करीब जाएंगे और उनके साथ जो है तो हम डिस्कस करेंगे और उनको जो है ये मटेरियल देंगे कि आप इसके ऊपर गौर कीजिए और इस बात को आप अपने के नीचे लोगों तक जो है तो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मीडिया का टीवी चैनल के जरिए और रेडियो पर हम इसको जो है तो पेश करेंगे। आखिरी दिन 3 सितंबर को हम से लिसानी मुशायरा, जो त्रिभाषिक मुशायरे का कवि सम्मेलन का हम इनेकाद कर रहे हैं, ये हमारे इस मुहिम का एंडिंग दिन होगा। दोस्तों, इन सब कामों को करने के लिए ये सिर्फ 15 दिन काफी नहीं है। ये 15 दिन में तो हम मुहिम के जरिए लोगों के सामने एक मैसेज दे सकते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद मुस्तकिल इस नांदेड़ के वो तमाम 3-4 लाख की आबादी वो ये महसूस करे कि हम आज महफूज महसूस कर रहे हैं,
हर कम्युनिटी एक दूसरे को यह समझे कि हम एक दूसरे से अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनके साथ जो है हम ये मामला उनके दरमियान रखेंगे, महफूज महसूस करने का जो है एहसास हम उनके अंदर पैदा करेंगे। उसके लिए हम चाहते हैं कि स्वागत समिति के जो अरकान यहां पर मौजूद है वही जो है हमारे सद्भावना मंच के वो अरकान बनेंगे, वही उसके सदस्य रहेंगे। मैं आपके सामने आज 21 तारीख को इस लॉन्चिंग प्रोग्राम के जरिए सद्भावना मंच के जो सभासद है, जो सदस्य है, मैं उनका ऐलान करता हूं। आप देखिए हमारे बीच जो है मौजूद डॉक्टर वेंकटेश जी काबदे, जो माजी खासदार है, ये हमारे सद्भावना मंच के हमारे साथ जिम्मेदार रहेंगे। इसी तरह प्रोफेसर लक्ष्मण शिंदे साहब, प्रोफेसर गौतम दुथड़े साहब, डॉक्टर दिलीप चौहान साहब, डॉक्टर दिलीप फंदारे साहब, डॉक्टर अवेश अब्बासी साहब, फादर मेल रॉय अल्मेडा साहब, मुफ्ती अयूब हाशमी साहब, ज्ञानी अमरजीत सिंह जी, मौलाना अजीम रिजवी साहब, डॉक्टर अनिल पाटिल साहब, संतोष गवाने पाटिल साहब, डॉक्टर गणेश शिंदे साहब, मदन मोहन खालसा साहब, एडवोकेट मुमताज खादरी साहब, मौलाना खाजी रफीक अहमद साहब, मुफ्ती तालिब बिन गालिब साहब, डॉक्टर पुष्पा कोकिड मैडम, शीर सागर साहब, नागराज कामड़े साहब, अविनाश वाघमारे साहब। ये हमारी 21 लोगों की ऐसी समिति बनी है जो किसी भी आने वाले हालात को निपटने के लिए एक जगह आ जाएगी और फिर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के सामने जाकर यह समिति जो है नुमाइंदगी करेगी कि यह नांदेड़ वो इलाका नहीं है जहां पर जो है दुश्मनों की नजर पड़ सकती हो, यहां पर किसी की जो है दाल गल सकती हो, बल्कि हम इस नांदेड़ को इस तरीके से जो है तो तबाह बर्बाद होने नहीं देंगे, किसी के साजिशों का शिकार होने नहीं देंगे, बल्कि यह अमन का गहवारा रहेगा जिस तरह पहले से रहा है, आइंदा भी रहेगा, और किसी साजिश को हम यहां पर कामयाब होने नहीं देंगे। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं।